अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बट का सालन बनाने की। बट के सालन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने दो बड़ी प्याज कट करके रख दी हूँ, चार टमाटर ली हूँ, धनिया है, पुदीना है, दो हरी मिर्ची, अदरक लहसुन के 2½ स्पून है, और यहाँ पर मैंने काजू बादाम लिए। काजू बादाम को भून के थोड़ा उसका पेस्ट बना देंगे और प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन हो तक के भून तल के उसको उसका भी पेस्ट बना देंगे। देखिए हमें तो मसालों में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। 1 स्पून 1½ स्पून मिर्ची ली हूँ, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून साथ जीरा, 1 स्पून नमक। ओके गाइस, हमने बट को कितनी अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें 2 मग पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से गलने रख देंगे, इसमें थोड़ी हल्दी और नमक ऐड करके। देखिए गाइस, इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी मैं, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड। चलिए हमने यहाँ पर पैन रख दिया, इसमें हम तेल ऐड करेंगे। हमें यहाँ पर 3 पल्ली तेल ऐड कर रही हूँ, 3 पल्ली तेल ऐड कर रही हूँ। तेल को अच्छा गर्म हो बाद से, देखिए हमारा तेल इतना अच्छी तरह से गर्म हो गया। हम उसमें ये जो प्याज को तले थे और इसमें काजू बादाम को हमने भून के पेस्ट बना दिया, ये पेस्ट ऐड करेंगे हम। इसमें काजू बादाम भी है, प्याज अच्छी तरह से भून लेंगे। अब अपन इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह अदरक लहसुन की पेस्ट आएंगे, मसालों को अच्छा भून लेंगे। अब हम इसमें पूरे मसाले ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले। देखिए हमने मसाले डाल के सालन को भून लिया। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर ताले बस भी अच्छा उसको भून लेंगे। देखिए गाइस, हमने टमाटर ताले बस इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें बट ऐड करेंगे, बट को हमने नमक मिर्ची डाल के उबाल लिए थे, अच्छा हमारी बट घुल गई है। मैंने 10 से 12 सीटियाँ ली थी बट को। देखिए बट डाले बस इसको अच्छी तरह से भून लेंगे अपन। इसको अच्छी तरह से भून के अच्छा पका लेंगे। अब हम इसमें कोथमीर पुदीना ऐड करेंगे, एक हरी मिर्ची डाल के अच्छी तरह से इसको मसाले को हर बट डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को, फिर बाद में पानी ऐड करेंगे। देखिए गाइस, हमारा सालन अच्छी तरह से भुनी गया। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 लोटा पानी ऐड करो, मेरे को जितना पतला चाहिए। देखो गाइस, हमने पानी डाले बाद से सालन को अच्छी तरह से ऑन किया है। देखिए हमारे साइडों से तेल भी निकल गया। चलिए अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट करेंगे।